वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम करंट अफेयर्स के जनवरी के फर्स्ट वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपसे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त होने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूसरे राज्य का नाम क्या है? अभी अभी ईस्ट इंडिया का कौन सा स्टेट है जो ODF घोषित किया गया है? आप ये ODF याद रखें, ये घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपको ODF की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ODF की फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त। किस देश के सलामी बल्लेबाज कॉलिन मनरो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ये हैं न्यूजीलैंड के। कहां के हैं? न्यूजीलैंड के, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, क्या नाम है इनका, निकोलस मदुरो ने न्यूनतम मजदूरी में 40% की वृद्धि करने की घोषणा की है? तो ये हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। कहां के हैं? निकोलस मदुरो कहां के राष्ट्रपति हैं? वेनेजुएला के। यहां इन्होंने की है 40% न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि। नवीनतम ICC टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पर कायम है? शायद इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा, विराट कोहली है सेकंड नंबर पे, टेस्ट रैंकिंग में है सेकंड नंबर पे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत के किस पूर्व रॉ प्रमुख को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी कि डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? राजेंद्र खन्ना को। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आपको NSA और DNSA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NSA की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और भारत के NSA कौन है? भारत के NSA हैं अजीत डोवाल, जो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे। और DNSA की फुल फॉर्म क्या है? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो बने हैं राजेंद्र खन्ना हाल ही में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह से मिलते जुलते 4 एक्सोप्लेनेट की खोज की है? ये खोज की गई है बृहस्पति से जुड़े 4 मिलते जुलते एक्सोप्लेनेट की खोज, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। थाईलैंड के विदेश मंत्री का क्या नाम है जिनके साथ हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलाकात की है? आपको पता होगा हमारी विदेश मंत्री अभी गई हैं 3 साउथ ईस्ट देशों के दौरे पर, और वो 3 देश कौन से हैं मैंने आपको नेक्स्ट डोज वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया था। वो 3 देश हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है थाईलैंड के विदेश मंत्री का नाम? थाईलैंड के विदेश मंत्री का नाम है डॉन प्रमुद्विनाई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया है? ये लगाया है गेल इंडिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने इसके बारे में आपको नेक्स्ट डोज वाली वीडियो में डिटेल में बताया था। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर प्लांट है। मैंने आपको बताया था कि पहला सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर प्लांट किस प्रदेश में है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दूसरा तो उत्तर प्रदेश में है, पहला कौन से प्रदेश में है। किस खाड़ी देश ने हाल ही में बैट लगाए जाने तथा पेट्रोल की कीमत में 127% वृद्धि करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है सऊदी अरबिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता होगा हाल ही में 2 देशों ने बैट लगाया है, और वो 2 देश कौन से हैं? एक है सऊदी अरबिया और दूसरा है UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब इमारेट्स। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं विजय केशव गोखले, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी खिताब जीता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में जीता है विदर्भ ने, विदर्भ ने हाल ही में रणजी खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? ये बहुत ही बड़ी घोषणा है, ये बहुत ही बड़ा कदम है तेलंगाना गवर्नमेंट का, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने निर्यात और वित्तीय लेन देन के लिए चीन की मुद्रा युआन
के इस्तेमाल को अनुमति दी है? तो ये अनुमति दी है पाकिस्तान ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की ताजा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी जी साथियान निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए हैं? जी साथियान अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में पहुंच गए हैं 49वें स्थान पर, और वो भारत में अब किस स्थान पर पहुंच गए हैं? भारत में अब वो पहुंच गए हैं फर्स्ट नंबर पे। किस देश की नौसेना ने स्वदेश में निर्मित हरवा नौसैनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये परीक्षण किया है पाकिस्तान की नौसेना ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि सीमा पार करने संबंधी भारत और किस देश के समझौते को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है भारत और म्यांमार की सीमा पार करने संबंधी समझौते को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किस राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म से पहले कुंभ 2019 का लोगो दिखाया जाएगा? ये दिखाया जाएगा उत्तर प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म स्टार्ट होने से पहले। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति हर महीने औसत कितना जीबी डाटा खपत करता है? भारत में प्रति व्यक्ति औसत पर मंथ 1.6 GB डाटा खपत करता है, और ये हुआ है मोस्टली जियो की वजह से। जब से जियो आया है डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अक्सर जब भी हम जियो के बारे में सोचते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा जियो के आने से BSNL पूरी तरह खत्म हो गया, और BSNL था गवर्नमेंट, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती थी, यानी कि अब गवर्नमेंट जॉब BSNL में मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और जियो को लाने में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और इससे हो गया है BSNL पूरी तरह तबाह। गवर्नमेंट BSNL पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, और अगर BSNL तबाह हो जाएगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब BSNL में नहीं मिल पाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? ये मंजूरी प्रदान की गई है बिलासपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार CNG सप्लाई आरंभ की गई है? ये सप्लाई आरंभ की गई है पंजाब में। पंजाब में हाल ही में CNG सप्लाई को स्टार्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किस टीम की 17 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी होगी? 17 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी होगी बिहार की टीम की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अनाज और चीनी की पैकेजिंग किस पदार्थ में करने हेतु सरकार ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं? अनाज और चीनी की पैकेजिंग पटसन में करने के निर्देश दिए हैं गवर्नमेंट ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्था के साथ मिलकर पहला ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम आरंभ किया है? गवर्नमेंट ने और टाटा मेमोरियल ने मिलकर ये ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कैंसर की अर्ली स्टेज पे पहचान कर लेना, क्योंकि कैंसर का अभी तक कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। अगर इसकी अर्ली स्टेज पे पता चल जाएगा तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय और टाटा मेमोरियल ने मिलकर ये पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग की भांति भारत में किस मार्ग पर पहले राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? ये मंजूरी प्रदान की गई है हल्दिया वाराणसी राजमार्ग पर। हाल ही में भारतीय रेल ने किस राज्य में 100 साल पुराना पुल महज 7 घंटे में तैयार कर दिया? ये तैयार किया है उत्तर प्रदेश में इंडियन रेलवे ने। कैबिनेट ने तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और निम्न में से किस देश के बीच MOU को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है इंडिया और इजराइल के MOU को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत और निम्न में से किस देश के बीच ट्रांसफर फॉर लंदन MOU को स्वीकृति प्राप्त हुई है? ये स्वीकृति प्राप्त हुई है इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच। किस देश ने 4 जनवरी 2018 को पाकिस्तान से सभी प्रकार के सुरक्षा सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है अमेरिका ने। सरकारी बैंकों की सेहत सुधारने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए मेगा प्लान में किस
राशि के बॉन्ड का इंतजाम किया जाएगा? ये किया जाएगा 80,000 करोड़ रुपए की राशि के बॉन्ड का, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश द्वारा पाकिस्तान में दूसरा सैन्य अड्डा बनाए जाने की जानकारी मीडिया में प्रकाशित की गई? ये बनाया है चाइना ने। चाइना ने हाल ही में पाकिस्तान में दूसरा सैन्य अड्डा बनाया है। चाइना नहीं मानेगा, चाइना कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता रहता है जिससे इंडिया परेशान होता रहे। किस खाद्य वस्तु को ककाओ नामक पौधे से तैयार किया जाता है तथा इसके 2050 में विलुप्त होने का अनुमान जताया जा रहा है? ककाओ नामक पौधे से तैयार किया जाता है चॉकलेट, और ककाओ के 2050 में लुप्त होने की संभावना जताई जा रही है। नासा द्वारा आयनमंडल की विस्तृत खोज के लिए किन दो मिशनों को लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? ये दो मिशन हैं गोल्ड एंड आइकन, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हाल ही में मंजूर की गई नमामि गंगे परियोजना के तहत किस राज्य में 4.68 करोड़ रुपए की एक परियोजना जल मल प्रबंधन से संबंधित है? हाल ही में आपको पता होगा NMCG ने एक अमाउंट दिया है नमामि गंगे परियोजना के लिए। वो अमाउंट आपको मैंने नेक्स्ट डोज वाली वीडियो में बताया था। आपको वो अमाउंट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वो अमाउंट दिया गया है 3 स्टेट को, और वो 3 स्टेट कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जिसमें से 4.68 करोड़ रुपए उत्तराखंड के लिए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपको NMCG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। NMCG की फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रादेशिक सेनाओं में महिलाओं की भी भर्ती हो सकती है? यह डिसीजन दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को। किस देश ने हाल ही में भूमि खदान प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर किए हैं श्रीलंका ने। हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप का पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है मोहम्मद अल सोर बगी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। किस देश ने हाल ही में मिसाइल परीक्षण के दौरान गलती से अपने ही देश पर मिसाइल दाग दी? ये दागी है उत्तरी कोरिया ने। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के हंसी आ रही होगी, और उत्तर कोरिया ही ऐसा कर सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों और एटीएम मैन्युफैक्चरर्स के कितने मूल्य के नोट के लिए एटीएम में बदलाव करने हेतु निर्देश जारी किए हैं? ये 200 के नोट के लिए जारी किए गए हैं निर्देश। आपको पता होगा इंडिया में पहली बार 200 का नोट जारी किया गया है, क्योंकि ये नोट इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम पे है, तो अभी एटीएम में चेंज करना जरूरी है क्योंकि ये नोट इंडिया में पहले नहीं था। अगर पहले होता तो एटीएम में चेंज करना नहीं पड़ता। तो ये थे जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेनका गांधी ने महिला सशक्तिकरण हेतु किस ऑनलाइन पोर्टल को आरंभ किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उज्ज्वला, नारी, रितंबरा और ज्ञानी। आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन से ऑनलाइन पोर्टल का आरंभ मेनका गांधी ने महिला सशक्तिकरण हेतु किया है, और आपको उस पोर्टल की फुल फॉर्म भी बतानी है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाया करे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। आप इस वीडियो की PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना नाम और अपने एग्जाम का नाम हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम आपको इस वीडियो की PDF नोट सेंड कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।